उसके से चला रही हो कूलर कि उसको भी याद आए थोड़ा। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल जी, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज परम, आई एम हरमन, आई एम मंजू, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि कल का जो एक एपिसोड था 51 एपिसोड है ना, 50 एपिसोड आप सब ने देख लिया था, बहुत अच्छा प्यार दिया उसमें, कमेंट्स बहुत अच्छे किए आपने। बट देन हमने जो रात को 10 बजे जो 51 एपिसोड अपलोड किया था ना, वो ब्लॉक हो गया था ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज़। एंड देन फिर उसके बाद मैंने फिर से अपलोड किया 1 बजे रात को, जब मुझे पता चला, री अपलोड किया उसको ठीक करके थोड़ा, एंड देन फिर से वो ब्लॉक हो गया। एंड देन फिर उसकी आवाज़ ना हमें थोड़ी कम करनी पड़ी, तब जाके वो अपलोड हुआ आज सुबह। तो वी आर वेरी सॉरी, आई नो कि उसमें थोड़ी कम आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ ये वाले एक एपिसोड में आप थोड़ा बेयर कर लीजिए, आप उसमें लाइक हेडफोन्स लगा के सुन लीजिए। एंड बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वो अभी क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत ही सुबह से मूड उसी वजह से ख़राब हुआ पड़ा है। बट कोई नहीं, हम जो आगे के एपिसोड रहेंगे उस पर ध्यान रखेंगे कि जैसे वो 50th एपिसोड में वॉइस थी ना, आवाज़ थी अच्छी खासी, तो वैसे ही हम आवाज़ रखेंगे, सो दैट आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिले और आप इन्जॉय कर पाओ और अच्छे से सुन पाओ हमारी वॉइस भी, एंड जो सीरीज़ की वॉइस है उसकी वॉइस भी। और हम करते हैं एर्थरुल की बात, तो एर्थरुल लास्ट एपिसोड में, जैसे अगर आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने थोड़ी देर पहले ही वो एपिसोड अपलोड किया है 51st, आप प्लीज़ हेडफोन लगा के सुनिएगा तो ही आपको अच्छे से आवाज़ आएगी। एंड वो एपिसोड में जैसे देखा कि कुर्दोगलू को लाइक थोड़ा सपना आ रहा था कि उसकी गर्दन उड़ा दी है सुलेमान शाह ने, एंड देन इस वजह से उसने अपने जो हथियार थे वो सुलेमान शाह को दे दिए। बट उसी टाइम पे गुंदोगदू आके उनको बोलता है कि नहीं नहीं चाचा, मेरे बेकसूर हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं है, हम उन पे ऐसे शक कर रहे थे। तो उस वजह से अभी वो उसके साथ मिल गया है, गुंदोगदू चाचा के साथ अपने, तो अभी देखना है कि आगे क्या होगा। और पर तुरगुत को भी लेके आया गुंदोगदू, तो फिर तुरगुत को अभी ठीक करना है सब ने, है ना। बट ऑब्वियसली सलेबी चाहते नहीं है कि वो ठीक हो, वो चाहते हैं कि वो यहूदा बन के रहे। यहूदा है ना उसका नाम, यहूदा बन के रहे। हाँ, तो अभी देखना है कि आगे क्या होगा। और कार्डिनल थॉमस का भी क्या, उसको मतलब वो क्या प्लान कर रहा है, वो भी आगे पता चलेगा। और अभी जल्दी जल्दी मुझे लगता है कि तुरगुत को ठीक करेंगे एंड वो उनके किले पे जाके हमला करने ही वाले हैं, वैसे वो बातें तो कर ही रहे हैं, तो देखना आगे क्या होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट आवर रिएक्शन वीडियो। गोपचे गोपचे पता नहीं कब ठीक होगी। सलजान यार, सब कमेंट्स में बोल रहे थे कि सलजान अच्छी बंदी बन जाएगी, है ना, देखने अभी कब बनेगी। जल्द ठीक हो जाएगी, लेकिन अर्थल
किस दो गांव में बंसी और दो गांव में कहने सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी नशे की वजह से उसके हाथ पैर कांप रहे जब तक उसको मिलेगा नहीं वो चीज तब तक वो ठीक नहीं हुआ ना उसको वो चाहिए ही रहता है जो नशे लेते हैं ना उनकी ऐसी हालत होती है अगर उनको नहीं मिले इसलिए नशे कभी नहीं करने चाहिए डेंजर है भाई ये देखो Thank you.
जान ये दो ये क्या हो रहा है यार भड़का के रखा है कुछ भी हो जाए इतरुल गोपचे से तो शादी करेंगे हाँ चलो ये तो टेंशन में इर्थ्रोल बट यहाँ पे इब्नुल अरबी ने बोला था कि जब इर्थ्रोल ठीक हो जाएंगे तो उधर जाएंगे हलीमा फंदूर है
सही बात है, खोखला कर देता है खा खा के अंदर का दुश्मन। एटलीस्ट इसके बाबा इसको अच्छी चीज़ बता के जाए तो अच्छी बात है ना, तब थोड़ी सुधरेगी। क्या ही बोलने का इसको। संभाल कर, अल्लाह से राजी हो सरदार, अल्लाह ने हमारे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा है आपको, ऐसा नहीं है भाई बस दुआ में।
वेरी जल्दी समझदार है अच्छा है और ये कुर्दूग में देखो जब देखो भड़काते रहता है और भड़काता भी तो उसको है जो भड़क जाता है दिल का अच्छा है बुंदोगलू तो इस वजह से वो भड़क जाता है बेचारा कोई सुधर जाएगा गुड Thank you.
कैसे ठीक हो गया? फिर उस संदूक को रखेंगे कहाँ पर? सुलेमान शाह वापस ऐसा चल जाना पूछेगा भी फिर चल से पूछेगा तो और नहीं तो क्या इसको पता चलेगा ना इसके बाबा ने चुकली इसको पता है सब वीजा वगैरह के बारे में और ये कुछ बोलेगा नहीं कुर्दोगलू आके बताएगा इसको भी इज्जत दे रही थी हमारे पास ये देखो और आप पैसे बांट रहा सबको इधर से लेके आता है सलेबियों से संदूक भर के लेके आता और इधर आके बांटता Thank you.
ये दोनों बड़े सही है यार, कुछ ही हो। क्या नाम है इसका, सरजान, सरजान अगर ये अपना इत्र अगर बन गया सरदार है तो कैसे चिल्लाएगी नहीं हो सकता ही। मैं तो इसको इमेजिन कर रहा हूँ क्या क्या करेगी इस पे, पापा देख रहे हैं इस पे। आ गया ये, वो छिपकली बैठी है साइड में। अरे छिपकली नहीं है, सॉरी सॉरी, टाइटस है।
ये तो खुद कहां पे हया थे अरे उस्ताद आजम उसे खोना नहीं चाहते वक्त आने पर वो हमारे काम आ सकता है इसे तो रख भी ले आई थी लेकिन उसने मुझे पहचाना नहीं मैं जानता हूं वो क्यों आई थी वहां इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी और वो जिन शरीफों का वादा किया था वो लाए अपने साथ और शर्फियां बट उसको अगर वो नशे की दवाई दे दी अगर उसको तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी तो गाइज़ ये था हमारा रिएक्शन ऑन डिरली सेत्रल सीज़न 1 एपिसोड नंबर 52। बहुत ही बेहतरीन एपिसोड था ये। इसमें जैसे देखा आपने कि तुरगुत को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं बट वो नशे की वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है और बहुत ज़्यादा वो सफ़र कर रहा है, पता नहीं अभी क्या होगा। बट अभी हमने इसमें एक और चीज़ देखी कि टाइटस आया था कुर्दोगलू से मिलने के लिए एंड कुर्दोगलू को उसने उसका जो नशे की दवाई थी वो दी उसको कि उसको पिलाने के लिए। अभी अगर उसको फिर से पिलाएंगे तो फिर से वो याहूदा बन जाएगा एंड वो याहूदे के पास अगर कोई गया तो फिर उसका क्या हाल होगा ना। तो वो भी एक परेशानी है अभी बहुत बड़ी। और ऊपर से उधर से दूसरी जगह से सलजान और ये कुर्दोगलू मिलके गुंदोगदू को चने के झाड़ पे चढ़ा रहे उसको। मतलब क्या क्या वो तो उसको अशर्फियाँ भी भर भर के दे रहा है कि तू सब में जाके बांट, तेरा अच्छा बनेगा, तेरा रेपुटेशन अच्छी बनेगी, ये वो। भाई आगे क्या होने वाला है क्या नहीं पता नहीं, आगे कौन सरदार बनेगा है ना, ये अपने मंसूबों में कामयाब होगा कि नहीं कुर्दोगलू, या फिर ये बेनकाब हो जाएगा और इसकी गर्दन कटेगी सुलेमान शाह के हाथों। भाई बड़ा मज़ा आने वाला है आगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कसम से। एग्जैक्टली एंड इज़्ज़त और अभी किले में आ चुकी हैं एंड पेट्रोशियो को बताया कि मैं झूठ बोला था, उसने अगर सच बताया होता तो पेट्रोशियो छोड़ता नहीं। उसने झूठ बोला कि मैं घूम गई थी एंड उसने बता दिया कि मारियो ने खुदकुशी कर ली है, पर उसको ये नहीं पता कि उसके पापा को मार दिया है, पेट्रोशियो ने उसके पापा को मार दिया है। सो देखने वाला होगा एंड टाइटस को पता है, कुर्दोगलू ने बता दिया टाइटस को कि वो आई थी कबीले में, वो बोला टाइटस बोला मेरे को पता है। सो उसकी सज़ा उसको मिलेगी बेचारे के साथ क्या होगा, सो देखने वाला होगा वो। यस एंड एर्थ्रूल एंड आइकस सब लोग तुरगुत की याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं एंड एर्थ्रूल ने तुरगुत के सामने उसका कुल्हाड़ा भी घुमा, उसका स्टाइल करके दिखाया पूरा एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड हमें इंतज़ार है कब तुरगुत ठीक हो जाएंगे एंड फिर
फिर से पहले जैसा सब कुछ ठीक हो जाए एंड बहुत ज़्यादा अच्छा था ये पूरा एपिसोड। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। शब्बा केयर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।